और जब जडेजा की गेंदबाजी में राइडो ने कैच पकड़ा कवर में, वो मुझे पॉन्टिंग की याद आई। इट वॉज राइडो का कैच वॉज जस्ट मैग्निफिसेंट। राइडो कैसे लगता है उड़ते हुए? अच्छा लगा, इट वॉज गुड कैच, वेल डन। चेन्नई की शुरुआत बेंगलुरु के साथ इतनी कुछ खास नहीं रही, खास करके मुझे लगा कि हेजलवुड और सिराज ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, उन्हें हेल्प थी विकेट से। इस विकेट पे बाउंस था जो हेजलवुड की हाइट की वजह से वो अच्छा बाउंस क्रिएट कर पा रहे थे ऑफ द सरफेस। उन्हें स्टार्ट इतना कुछ ठीक नहीं मिला और मोइन अली भी जल्दी रन आउट हुए। सुरेश से बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई पॉइंट पे, मिसअंडरस्टैंडिंग में मोइन अली बिल्कुल आधे विकेट पे खड़े थे। मगर मुझे लगा कि जिस तरह से शिवम दुबे ने आके बैटिंग शुरू की, वो कमाल की बैटिंग थी। स्पिनर्स उन्हें डालने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ, मुझे लगा। Acer Swift Laptops। मैक्सवेल को थोड़ी हेल्प मिल रही थी, थोड़ा सा बॉल ब्रेक हो रहा था, मगर मुझे लगा कि लेंथ या तो आगे थी बहुत या तो थोड़ी छोटी थी और ऑफ स्टंप की तरफ थी। अगर कोई भी बॉलर, विच इंक्लूड्स हसरंगा भी और शाहबाज भी, मगर हसरंगा की जो गूगलीज डाल रहे थे वो मुझे लगा कि शिवम दुबे को ऑफ स्टंप की तरफ डाल रहे थे। और हम सभी को पता है कि शिवम दुबे का जो बैट स्विंग है वो कितना क्लीन है, बहुत अच्छा बैट स्विंग है। और उनके अगर रेंज में बॉल आता है तो वो बाउंड्री लाइन बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर पाते हैं। उनकी हाइट है तो इस विकेट पे तो बहुत अच्छा बाउंस था, उसकी वजह से हार्ड बॉल, और जब स्पिनर अपनी रेंज में बॉलिंग करता है तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन को तो बहुत आसान बन जाता है। शिवम बैटेड एक्सट्रीमली वेल एंड व्हाट आई लव्ड वाज हिज कॉन्फिडेंस, हिज अप्रोच, इट वाज इनक्रेडिबल। कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पहले 10 ओवर में ज़्यादा रन नहीं थे बोर्ड पे। अगर आप उनका पैटर्न देखो तो पहले 10 ओवर में अराउंड 60 के आसपास थे, फिर 10 से 15 ओवर में उन्होंने बहुत एक्सेलरेट किया और वो बड़े शॉट्स खेलते रहे, उन्होंने 70 प्लस कुछ रन्स बनाए वहाँ। और फिर 15 से वापस 20 ओवर तक 80 के आसपास कुछ रन बने, तो एक्सेलरेशन चालू ही रहता गया। और हाउ कैन आई फॉरगेट रॉबिन उथप्पा, आई थॉट हिज बैटिंग वॉज इनक्रेडिबल। ही वॉज काम एंड कंपोज इनिशियली, और जब उनके रेंज में बॉल आया तो ही वॉज क्लियरिंग इट एफर्टलेसली। उनके फेस के ऊपर मुझे साफ तरह से दिखाई दे रहा था कि ही वॉज एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड डिटर्मिंड, ही ट्रस्टेड हिज अबिलिटी एंड प्लेड सम अनबिलीवेबल शॉट्स। Robin has always been a dangerous player, be it against genuine quick bowling or quality spinners. Robin is again one of those guys who can play 360. You know, he can play reverse sweep, he can play normal sweep, he can go bowler's back, over cover, mid wicket. And we got to see that today. It was that partnership between Robin and Shivam which put Chennai in such a strong position. 216 on that wicket after such a slow start was controlled aggression and fearless play, but they were not careless, they were fearless. And after those first six overs, kisko laga tha ki ye 216 run banayenge, a big total. जब सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हुई तो चेन्नई ने एक ट्रम्प कार्ड खेला। मुझे लगा कि पहले 6 ओवर में फास्ट बॉलिंग नॉर्मली चलती है, क्योंकि विकेट पे जब बॉल की सीम हार्ड होती है तो सीम बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, मगर यहाँ पे चेन्नई ने स्पिनर्स लगवाए बेंगलुरु के खिलाफ और स्पिनर्स सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि बॉल वॉज ब्रेकिंग लिटिल बिट, थोड़ा सा स्टॉप होके हल्का ग्रिप कर रहा था और उसने थोड़ा प्रेशर डाला क्योंकि काफी डॉट बॉल्स भी गए। एंड इफ यू नोटिस विद इन नो टाइम बेंगलुरु हैड लॉस्ट 4 विकेट्स।
Acer Swift Laptops. मुझे एक दिखाई दिया कि विकेट के बाउंस की वजह से जब विराट ने स्टेप आउट होके जो हाफ पुल कहते हैं वो शॉट खेला, तो बाउंस की वजह से बैट के ऊपर के हाफ में बॉल लगा हुआ है। हर बैट्समैन जब मारने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में यही चीज रहती है कि बैट के बीच में मारना है। वो बैट के बीच में जरूर लगा मगर बाउंस की वजह से बैट के ऊपर वाले हाफ में लगा है, इसलिए ही वॉज नॉट एबल टू गेट दैट डिस्टेंस एंड ही वॉज कॉट एट डीप स्क्वायर लेग। आई फेल्ट स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तीक्ष्णा उसकी वेरिएशन मुझे पसंद आई, जो नकल बॉल हम कहते हैं, मैंने सुना कि अजंता मेंडिस की तरह ही वो नकल बॉल यूज करते हैं और रिसेंटली वी सीन अश्विन यूजिंग दैट डिलीवरी क्वाइट सक्सेसफुली। तीक्ष्णा की वेरिएशन मुझे पसंद आई, वो ऑफ स्पिन कर रहे थे और नकल बॉल भी डाल रहे थे एंड चेंजिंग हिज लाइन एंड लेंथ वेरी स्मार्टली। और जब टीम को 216 रन चेस करने होते हैं तो बैट्समैन हैव टू टेक रिस्क, कहीं ना कहीं ये ऐसा फीलिंग आया मुझे कि टुवर्ड्स द एंड बेंगलुरु यही सोच रही होगी कि हमारे इतने ज़्यादा विकेट शुरू में नहीं जाते तो ये मैच और भी क्लोज हो सकती थी, हम शायद टोटल चेज भी कर जाते। सो इवेंचुअली हम यही सोचते हैं कि विकेट शुरू में ना जाए मगर रन्स भी बोर्ड पे लगे। इट वॉज अ टफ थिंग, इट वॉज टफ टारगेट टू चेज। पार्टनरशिप बिटवीन शाहबाज एंड सुयश केप्ट द मैच अलाइव, 60 की पार्टनरशिप हुई, वो स्मार्टली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और थोड़े यहाँ वहाँ बड़े शॉट्स भी खेले। और उनके टीम में जो लोअर ऑर्डर में जो डेंजरस प्लेयर है वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के पास 360 खेलने की एबिलिटी है, चाहे वो स्पिनर रहे या फास्ट बॉलर रहे, और उन्होंने लिटरली अभी अटैक करना शुरू किया, पहली गेंद से अटैक करना शुरू किया और ऐसे कभी लगता नहीं है कि उन्होंने पहले ही अपना माइंड मेकअप किया कि ये बॉल मैं मारूंगा मिड विकेट की तरफ या कवर के ऊपर से, वो बॉल देख के मारते हैं और जिस तेजी से वो लाइन और लेंथ पिक कर रहे हैं, बहुत कम बैट्समैन इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में उतनी तेजी से लाइन और लेंथ पिक कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी दैट ही इज वेटिंग फॉर द बॉल टू कम एंड देन ही प्लेज इम्प्रोवाइजेस अ शॉट एंड दैट्स व्हाई ही इज सो डेंजरस डाउन द ऑर्डर। और जब जडेजा की गेंदबाजी में राइडो ने कैच पकड़ा कवर में, वो मुझे पॉन्टिंग की याद आई, इट वॉज राइडू का कैच वॉज जस्ट मैग्निफिसेंट। राइडू कैसे लगता है उड़ते हुए, अच्छा लगा, इट वॉज गुड कैच, वेल डन। इन द एंड 216 वॉज बिग टोटल। आई एम श्योर बेंगलुरु यही सोचती होगी अभी भी कि शायद हमारे ज्यादा विकेट्स शुरू में नहीं जाते तो वी वुड हैव पॉसिबली चेज द टोटल। इसमें पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही बॉलिंग में तीक्ष्णा और जडेजा की। जडेजा ने जिस तरह से बॉलिंग की और मैक्सवेल जो डेंजर मैन है उसे आउट किया, आई फेल्ट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस की ही केप्ट इट सिंपल, इफ ही मिसेस आई हिट द स्टंप एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एक्सपीरियंस केम इन हैंडी।